हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूरतेसी ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैंने इधर फेस पर लगाया है ये पैक, ये फेस पैक है। इसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और थोड़ा सा हनी डाला है, तो उससे क्या होता है ना, हमारी स्किन ठीक रहती है और टाइट टाइट हो जाती है। तो 30 साल की उम्र के बाद ना हमें कुछ ना कुछ ऐसे करते रहना चाहिए। इसमें कौन से पैसे लगते हैं, हमें घर में ही सामान मिल जाता है, तो उस वजह से मैंने ये लगा दिया। तो अभी वीडियो भी स्टार्ट की है और इधर बच्चे पढ़ रहा है, बच्चों का आज एग्जाम है, कीरत का एग्जाम है, वो लगी है सुबह 10 बजे से। अभी टाइम हो रहा है 12:15 हो चुके हैं, वो कर रही है अपना एग्जाम। और इधर अब नूर बैठी है, वो भी कर रही है एग्जाम। ये देखिए अबनूर, हेलो बोलो। बच्चों के उड़े हुए हैं तोते मुंह के, तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। अबनूर हेलो, मटर छील रहे हैं और खा रहे हैं मूंगफली। क्यों खिला रहे हो इसको? ऊपर धूप में बैठकर नाश्ता खिला। अबु की आंखें नहीं खुल रही ऐसे ऐसे कर रही है बंद। किरत जा, नीचे कोई आया। हाँ क्या लेना? आ रही है किरत, रुक जा। ऊपर से ही पूछ रही हूँ कि क्या लेना। तो अभी दिसंबर लास्ट है और यहाँ पर ना हमारे वो चलता है शहीदी पूरा महीना कहते हैं इसको, क्योंकि इधर ना हमारे दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे सपुत्र बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी को ना मुगलों ने उधर सरहंद में और माता गुजरी जी को उनकी दादी जी को ठंडे बुर्ज में रखा था। इतनी ठंड में, दिसंबर की ठंड में धुंध वगैरह पड़ती थी और उनको बर्फ वाले कमरे में ऐसे कैद कर कर रखा था मुगलों ने। तो देखिए इतने छोटे छोटे थे वो बच्चे, अभी 10 साल के भी नहीं हुए थे। तो वही कि कितनी शहीदियां दी। और बड़े साहेबजादे, साहेबजादा अजीत सिंह जी, साहेबजादा जुझार सिंह जी, वो चमकौर साहेब की लड़ाई में शहीद हो गए थे। तो हमारे दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 पुत्र ऐसे वार दिए, अपना पूरा परिवार ही वार दिया कौम की खातिर, क्योंकि उनके पिताजी श्री गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली में जाकर अपना शीश देकर आए थे उधर। तो उनकी माता जी ने माता गुजर जी को भी उधर शहीद कर दिया था। तो इस तरह से बहुत दुखदाई होता है ये पूरा महीना ना, ऐसे शहीदियों का महीना गिना जाता है हमारे सिख धर्म में। तो बहुत वो बुरा लगता है कि इतने छोटे छोटे साहेबजादों को कैसे उसने जिंदा नींहों में चिनवा दिया था, दीवार में चिनवा दिया था। तो दोस्तों मैंने आंवले को अच्छी तरह से धुल लिया है और अब मैं इसको ऐसे कट कर लूंगी। इसकी आंवले की गुठलियां ना मैं साइड में निकाल दूंगी, सिर्फ मुझे ये जो आंवले का ऊपर वाला हिस्सा है ना यही चाहिए। बस इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, ठीक ठीक सा रखना है। तो इस तरह से मैं सभी आंवले को ऐसे कट कर कर बस इसको प्लेट में डाल लूँगी, थोड़ी सी इसको धूप लगवा लूँगी। तो गाइस अभी शाम का टाइम है और मैंने ये जो आंवले थे ना, जो आधा किलो आंवला लिया था उसको ना ऐसे कट कर लिया है, मतलब इसकी गुठलियाँ साइड में निकाल दी हैं। और ये है नारियल तेल, ये 175 ml का है और एक छोटी बोतल ये वाली है, ये 100 ml की है। ये दोनों का मैं डालकर ना अब तेल बनाऊंगी। ये ना हमारी सभी बालों की प्रॉब्लम का सलूशन है। और ये आंवला ना मुझे बहुत मुश्किल से मिला और मैंने ना इतने सब्जी वाले बहुत भैया आते थे तो कोई भी नहीं रखता था, तो स्पेशल एक भैया को बोला कि आप प्लीज ला दीजिए। तो ये मैंने मंगवाया और किलो मेरी पड़ोसन थी उसने भी मंगवाया है, तो वो भी बनाएगी, तो हम दोनों बनाएंगे। अभी वो अपना बनाएंगी और मैं अपना बनाऊंगी। तो चलिए पहले इसको बनाकर देख लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो बस सबसे पहले मैं इधर कढ़ाई ले लूंगी, उसमें मैंने नारियल तेल को गर्म पानी में ऐसे, मतलब अपनी डिब्बी रखी थी नारियल वाली, तो उसको पिघला दिया है अच्छी तरह से। और ये जो मैंने अपनी कढ़ाई ली है ना, ये मेरी काली ही है, क्योंकि इसमें नारियल वो उबलेगा ना आंवला, तो इस वजह से। तो पहले मैं एक डालकर देखती हूँ, फिर मैं सारे आंवलों को ऐसे जो मैंने कट किए हैं उनको डाल दूंगी और इनको अच्छी तरह से खुलाना है, बिल्कुल ऐसे चम्मच की सहायता से बीच बीच में इसको हिलाकर देखते रहना है। ये हमारा नारियल का तेल थोड़ा सा ना इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये अच्छी तरह से, मतलब
पिघल जाएगा इसमें, जब आपको लगे ना कि नारियल ये आंवला है जो चम्मच से थोड़ा सा दबाने से थोड़ा सा मैश हो रहा है, तो समझिए आपका तेल रेडी है बनकर। तो बस इस तरह से मेरा 20-25 मिनट मैंने इसको रखा था, तो अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। ये स्टील का बाउल है, क्योंकि अब डायरेक्ट इसको मैं प्लास्टिक की डब्बी में नहीं निकाल सकती थी, नहीं तो वो ऐसे ना ख़राब हो जाती। तो इस तरह से मैंने इसको इसमें निकाला, फिर इसको डिब्बी में रख लेती हूँ भरकर। बस कुछ ही मिनटों में ये ठंडा हो जाता है, ठंडा नहीं थोड़ा सा गर्म ही रहता है, मतलब जितना जैसे मेरी डिब्बी में आ जाए उस वजह से, क्योंकि ठंड बहुत है तो इसलिए ज़्यादा देर तक चीज़ कोई भी गर्म नहीं रहती है। तो जब ये थोड़ा सा हो जाए, मतलब मुझे लगा कि डिब्बी में डालने लायक हो गया है, तो फिर इसको मैं डिब्बी में निकाल लूंगी। तो गाइस तेल मैंने बना लिया है, और मैंने ना ये जो मेरी नारियल वाली बोतल खाली हुई थी एक, उसमें भर दिया था, तो वो पूरी भर गई है। अब आराम से मेरे 20-25 दिन चले जाएंगे, तो फिर बालों में ना बहुत ज्यादा बाल बहुत डैमेज हो गए थे, तो ना मैंने जो ऐसे बचा कुचा तेल था ना वो मैंने बालों में लगा लिया। मैंने सोचा चलो कल सिर धो लूंगी, बाल ना बहुत रफ रफ से हो जाते हैं सर्दियों में ना, तो इस वजह से मैंने ये बनाया था। और इससे ना आपके बाल भी नहीं झड़ेंगे, और बालों में जो डैंड्रफ है वो भी खत्म होगा, बालों को शाइन भी मिलेगी। मेरी सबसे बड़ी समस्या थी कि मेरे बाल झड़ने लग गए थे अब सर्दियों में ना, जैसे ये कैप लगानी होती है ना, तो उस वजह से, तो फिर मैंने ये बनाया था। और बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, जस्ट उसको आंवले को कट किया बस, सिर्फ नारियल तेल, सिर्फ दो चीजों से तेल बन गया मेरा। और मैंने कम से कम इसको 20-25 मिनट तक अच्छी तरह से गैस पर इसको खुलाया था। और चलिए अब मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ, क्योंकि आज तेल की रेसिपी हो गई है। आई होप आप सबको पसंद आएगी, और आप भी प्लीज एक बार बनाकर देखना, और मैं आपसे ना अपना फीडबैक इसका शेयर करूंगी। डेली मैंने एक हफ्ता इसको लगाना है, और देखती हूँ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, उसके बाद मैं आपसे अपना फीडबैक शेयर करूंगी। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कर दे, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, घर पर रहिए, ठंड से बिल्कुल बचकर रहिए। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय एंड टेक केयर।